एक साल से ज्यादा अंतराल के बाद फिर पैसेंजर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने जा रही हैं। रेलवे बोर्ड ने पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाकर चलाने की मंजूरी दे दी है। सतना स्टेशन से 3 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन स्पेशल बनकर 8 अप्रैल से दौड़ेंगी। ट्रेन तो पैसेंजर की तरह चलेंगी, लेकिन इसमें यात्रियों को सफर करने पर ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मार आम यात्रियों पर ही पड़ रही है। रेलवे ने एक तरफ जहां 10 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट को 30 रुपए कर दिया है, वहीं पहले पैसेंजर ट्रेन का कम दूरी का किराया 10 रुपए ही होता था, जो अब बढ़ा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले एक साल से सतना से इटारसी एवं सतना से मानिकपुर के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें कोविड-19 वायरस के फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए रद्द कर दी गई थी। रेल प्रशासन ने इन नियमित ट्रेनों की जगह स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाने का निर्णय लिया है। बताया गया है कि रेलवे इन्हें अनरिजर्व टिकट पर चलाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सतना से चलने वाली ये ट्रेनें अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें पहले ही पैसेंजर ट्रेनों की तरह सभी छोटे बड़े स्टेशनों में स्टॉपेज भी देंगी। इन ट्रेनों में 11 सामान्य श्रेणी के कोच होंगे। सतना से मानिकपुर के बीच अप डाउन की गाड़ी संख्या 05765/66 अनारक्षित स्पेशल चलेगी, जिसमें डाउन गाड़ी की संख्या 05765 सतना मानिकपुर सतना से दोपहर 3:45 पर रवाना होगी, जो मानिकपुर शाम 6:50 पर पहुंचेगी। वहीं अप गाड़ी संख्या 05766 मानिकपुर सतना स्पेशल मानिकपुर से 7:25 पर चलेगी, जो 9:25 पर सतना पहुंचेगी।